Hey cuties, welcome to my YouTube channel. So it's a second day of my vlog series. अभी क्या हुआ था जब ब्लॉग सीरीज हमने आज से दो या तीन दिन पहले स्टार्ट की थी. अब हम उसकी सेकंड वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज बीच में दो दिन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बर्गर पे ब्रांड है उसके साथ शूट हुआ था. तो उस शूट के चक्कर में मतलब वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई. इट्स काइंड ऑफ प्राइवेट थोड़ा सा, तो वो अभी हमने वहाँ पे और इतना कंफर्टेबल भी नहीं था. तो बेसिकली वो दो दिन मैंने स्किप कर दिया, मैं शूट नहीं कर पाया वहाँ पे कोई ब्लॉग. सो वो पर ब्लॉग सीरीज कंटिन्यू रहेगी बिकॉज कल हमने अपना फर्स्ट वो वीडियो व्लॉग सीरीज का अपलोड किया है और ये सेकंड वीडियो आज हम फिल्म कर रहे हैं. सो इट विल बी लाइक कंटिन्यूड. तो बीच में ब्रेक नहीं आया, सो नो रूल ब्रेकिंग प्लीज़. इस चीज़ के लिए हमारा हाथ दुखने लग गया यार. एंड हाँ, इफ़ यू ऑल वॉन्ट टू नो लाइक क्या शूट था, BTS देखने हैं या फिर थोड़े बहुत ऐसे आपको मेरे पिक्चर्स देखने हैं शूट के, तो मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम नीचे डाल दूंगा. कैप्शन में भी मैं आपको अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम ID दे दूंगा. गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट माई डेली अपडेट्स. वहाँ पर भी फॉलो कर लो अगर आपको मेरी डेली अपडेट चाहिए कि कब क्या हो रहा है, क्यों मेरी मतलब ब्लॉग नहीं आ रहा है या लेट हो रहा है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो everything, देन डू फॉलो मी ऑन Instagram. Instagram पर बहुत अच्छा कंटेंट भी आता है कभी कभी, हमेशा मतलब ब्रेक में अपलोड होता है बट हाँ कंटेंट अच्छा आता है. सो फिलहाल तो यही अपडेट है. मैं सुबह अभी उठाऊँ और उठने के बाद मैंने ना अभी उठते ही थोड़ी सी मैंने ऐसे पढ़ाई कर ली है. ये मेरे मतलब कॉलेज में मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं लास्ट, मतलब सेकंड सेमेस्टर के एंड एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, तो वो मेरे आने वाले हैं. उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है. ये मेरी किताब है और वो पढ़ने के बाद मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा सा खाया, कढ़ी चावल खाया पढ़ते पढ़ते. आम का है एक, लेट्स सी अभी क्या होता है दिन भर. मैंने अभी इतना सोचा है कि इस व्लॉग सीरीज़ में मतलब अभी एक दो दिन में एक तो मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊँगा और एक बंगला साहिब, एंड आई टेक यू ऑल विद मी देयर. सो लेट्स सी हाउ आवर डेज गोज. फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा सा थकावट सी हो रही है और मैंने पढ़ाया है अभी, तो मुझे थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स चाहिए. हो सकता है मैं एक दो टॉपिक और कवर करूँ और वो कवर करने के बाद आई कैच यू आफ्टर अ बिट. तब तक के लिए बाय. सो गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू, मैं पढ़ाई कर रहा था और मेरी आवाज़ सुन के मेरी मम्मी उठ के आ गई सो के. मम्मी मम्मी को लगा कि मैं लैपटॉप में कुछ देख रहा हूँ उल्टा सीधा, तो मम्मी उठ के आ गई. मम्मी कहती मुझे कोई व्लॉग की आवाज़ आ रही है. मैंने कहा व्लॉग की आवाज़ मैं बना रहा हूँ उसकी आवाज़ आ रही है, वरना मेरी तो तब से पढ़ाई चल रही है. बट शी डोंट ट्रस्ट मी. तो अभी मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ. सो गाइज, मम्मी के उठने के बाद मम्मी ने मुझे दी है खीर, क्योंकि आज मावस करके बोलते हैं उस दिन खीर बनती है. हमारे लाइक हिंदू ट्रेडिशंस में मावस वाले दिन ना खीर बनाई जाती है, जो हमारे पूर्वज होते हैं पितृ कहते हैं उन्हें, उनके उसमें. तो वो खीर बनी आज, तो मम्मी ने मुझे उठते ही खीर दी है सबसे पहले. और खीर के साथ साथ फॉर रिलैक्सिंग माय माइंड मैं देख रहा हूँ अपर्णा देवयाल के व्लॉग्स. एंड लाइक गाइज, सीरियसली दिस गर्ल इज़ अ फाइटर, शी इज़ अ सर्वाइवर फाइटर, शी इज़ सो क्यूट. लाइक शी इज़ द वन, मेरे को इसके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं. ये बहुत लाइक टाइम ले लेकर डालती हैं, काफ़ी टाइम में डालती हैं, बट जब भी डालती हैं इट्स बेस्ट. इनके अभी 1 million कम्प्लीट हुए हैं. इट्स रियली एक दिल से खुशी होती है लाइक जब इनको ऐसा सक्सेस मिलती है. शी इज़ अ सर्वाइवर, शी इज़ अ फाइटर. ऐसे डिजीज होने के डायग्नोज होने के बावजूद भी शी इज़ टू गुड यार, जस्ट टू. तो फिलहाल मैं ये देखता हूँ, आता हूँ एंड देन आपसे मिलता हूँ. Hey guys, welcome to मन, थोड़ी सी मन की बात पर आप सबके साथ. तो अभी हम अपने मन की कोई एक टॉपिक पे, अब कोई भी ऐसा रैंडम टॉपिक उठाकर उसके ऊपर हम अपने व्यूज देंगे आपको. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा उस चीज़ के बारे में. तो ये हमारी ब्लॉगिंग सीरीज में थोड़ा सा स्पाइस ऐड करने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए मैंने ये अपना लाइक थोड़ा सा कंटेंट स्टार्ट किया है कि थोड़ी सी मन की बात पर आप सबके साथ. सो इससे आप भी थोड़ा सा मेरे से कनेक्टेड फील कर पाएंगे और मैं भी आप लोगों से थोड़ा कनेक्टेड फील कर पाऊंगा. तो गाइस, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लाइक फॉलोइंग स्पिरिचुअलिटी इन अ यंगर एज. सो लाइक इस टॉपिक, दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी क्रूशियल टॉपिक और बहस का टॉपिक हो जाता है कई लोगों के लिए, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट टॉपिक जिस पर हमें लड़ाई करनी पड़े, जिस पर हमें बहस करनी पड़े. इट्स आवर डिसीजन टू डू व्हाट वी डू. हम लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं उस चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं, हम वही बता सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट दैट कि यू हैव टू
वर्शिप ओनली लाइक वन गॉड और समथिंग लाइक दैट. नो, यू कैन वर्शिप वॉट यू वॉन्ट, वॉट गॉड यू बिलीव इन, जिनके जिस भी गॉड के बिलीव्स पे आप लाइक अमल करते हो या मानते हो उनको, तो आप उन्हीं को ही एक केंद्र बिंदु कहते हैं ना, उसे केंद्र बिंदु बनाइए और उन्हीं को आप वर्शिप कीजिए या फिर मेडिटेशन करते हो या उन्हीं का ध्यान कीजिए. थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो ये हमारा पूरा लाइक सराउंडिंग्स है ना, ये बहुत टेंशन से भरी हुई, नेगेटिव वाइब से भरी हुई रहती है. हमें पढ़ाई की टेंशन होती है, आने वाले करियर की टेंशन, पास्ट की बातों की टेंशन, हज़ार चीज़ों की टेंशन होती है. इन सब से थोड़े टाइम के लिए रिलीफ पाने के लिए या फिर अपने आप को काम डाउन रखने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ स्पिरिचुअलिटी. लोग आपको हज़ार बातें कहते हैं, हज़ार बातें सुनाते हैं, बट उस चीज़ को फोकस ना करते हुए आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए. बातें सब जानते हैं, ये मेरे बताने से कुछ चेंज नहीं होगा, बट स्टिल उन सब बातों से कोप अप करने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए ना, हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का ध्यान रखना चाहिए. हम लोगों को दिन में ज़रूर 15 से 20 मिनट मेडिटेट करना चाहिए, और उस टाइम पे हमें किसी एक हमारे गॉड या गॉडेस जिसको भी हम बिलीव करते हैं उनको ध्यान करना चाहिए हमें उनका, ताकि ऐसा बोलते हैं, हमारी गीता में भी लिखा है और बाकी सब जो लाइक होली बुक्स हैं सभी रिलीजन्स की, उन सब में लिखा है दैट याद करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हमें, मतलब जिन जिनकी वो बुक है, जिनसे रिलेट वो बुक करती है, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में. एंड आई फील दिस इज़ द ट्रुथ. और ऐसा नहीं है कि एवरी वन हैज़ टू बी वर्शिप ऑफ लाइक ओनली हिंदू गॉड्स, और लाइक जो भी जिस रिलीजन को मानता है, जो भी जिस रिलीजन से है, वो अपने सबके अपने अलग गॉड्स हैं, आप उनको वर्शिप कीजिए. बट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू वर्शिप, यू हैव टू गेट अब लिटिल बिट स्पिरिचुअल. ज़रूरी नहीं है कि लाइक आप मंदिर जा रहे हैं या फिर आप कहीं और जा रहे हैं, मस्जिद, मक्का, मदीना, जहाँ भी आप सोच, जहाँ से भी आप जाते हैं, आपका रिलीजन जो कहता है, आप वहाँ जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ये. हमें ज़रूरी है उस उनको याद करना, उनको वर्शिप करना, बस. आप खुद को काम डाउन करने के लिए लाइक हम इस बात को छोड़ देते हैं कि वहाँ जाना ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी. लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि उनको याद करना क्यों ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू सम साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स क्या कहते हैं, इफ़ यू बिलीव कि यू आर सराउंडेड विद सम नेगेटिव वाइब्स ऑल्सो एंड पॉजिटिव ऑल्सो, सो दैट नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं, जब हमारे आसपास कोई नेगेटिव वाइब्स होती हैं, तो यू फील दैट प्रेशर इन यू, यू फील दैट लाइक यू आर सप्रेस्ड बाई समथिंग, यू आर फील लिटिल बिट लाइक अनकम्फर्टेबल, ड्राउजीनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें नेगेटिव वाइब्स से जब हम लोग गिरे रहते हैं. बट वेन वी डू वर्शिप, वेन वी डू शांति फील होती है, वो पॉजिटिविटी फील होती है, और अपने काम करने में भी हमारे एक अलग पावर आ जाती है, हम लोग और इंटरेस्ट के साथ और खुशी के साथ अपना काम करते हैं. सो इन दिस यंग एज व्हेन वी आर टोटली वर्किंग, हमारे हाथ पैर दिमाग सब अच्छे से चल रहा है, तो बेस्ट थिंग है अपने आप को लाइक बेस्ट रिलीफ देने की, यू डू मेडिटेशन एंड वर्शिप. एक दिन में 15-20 मिनट इस चीज़ के लिए आप निकालो, दिस विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू. और मतलब इतने बड़े बड़े तुम थेरेपी लेते हो, हॉस्पिटल जाते हो, इन सबसे बेटर है 15 मिनट की मेडिटेशन और वर्शिप. दैट्स ऑल अबाउट आर मन की बात, थोड़ी सी मन की बात, पर आप सबके साथ, दैट्स ऑल अबाउट दैट. तो आज की मन की बात आप सबके साथ हम यहीं पे थोड़ी सी ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, तो अभी आप सबको मैं वहाँ लेकर चलता हूँ, तब तक के लिए बाय. सो गाइस, सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं घर आ गया था, और उसके बाद मैंने अपनी क्लासेस अटेंड करी, मेरे थोड़े बहुत सेशंस थे मैंने वो लिए, और वो सब ख़त्म करके अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 8, और अभी अभी मैंने जस्ट मैं कपड़े वपड़े बदल के फेस वॉश करके मैं आराम से बैठा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा अपडेट दे दिया जाए कि इतने टाइम से मैंने व्लॉग क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं अब क्लास ले रहा था, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा प्राइवेट काम था बैंक का, तो वो करने के बाद मैं जस्ट अभी मतलब फ्री हुआ व्लॉग करने के लिए. और फिलहाल 8 बजे और मुझे लग गई है बहुत तेज़ भूख, और मम्मी बना रही है हमारी खाना. लेट्स सी मम्मी खाने में क्या बना रही है. आई थिंक दाल बनेगी आज, तो देखते हैं कब तक बनेगी. जैसे ही बनती है मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय. सो क्यूरीज, हम मैंने अपना डिनर कर लिया है, और आज हमने डिनर में खाया दाल और रोटी, और अभी मतलब हम सभी ने डिनर कर लिया है, और मम्मी ने पूरा किचन साफ़ सुथरा कर दिया है, और अभी वो दूध गर्म कर रहे हैं, हम लोग दूध गर्म मतलब मम्मी के दूध गर्म होने के बाद हम लोग सब पी के सोने जाएंगे, बिकॉज अभी लाइक 10:30 होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम रह रहा है, 10-5 मिनट. अगर हमें अभी नहीं सोया तो कल सुबह मैं टाइम से नहीं उठ पाऊँगा, और मुझे सुबह उठ के पढ़ना भी है. और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज
आज की वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रह पाई, आज हम लोग कहीं नहीं गए, हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आज थोड़ा सा बैंक का काम था और थोड़ा सा मैं बिजी था, तो मैंने घर घर में ही जो शूट किया है वो ही है इस ब्लॉग में। बट डोंट वरी क्यूटीज, आई एम हेयर। कल हम लोग जाएंगे कहीं, आई विल नॉट टेल यू टुडे, आई विल टेल यू लाइक आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, कल ही पता लगेगा आपको वो कि हम लोग कहाँ गए। आई विल डेफिनेटली टेक यू ऑल अलॉन्ग विद मी, हम लोग कल सब साथ में जाएंगे, मैं और मेरे क्यूटीज बस। तो तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। बाय बाय।